लास्ट मंथ मैं अपनी मम्मी को बीट रूट रोटी के बारे में बता रही थी, तो मुझे लगा कि उनको सामने सामने वीडियो कॉल पे बना के दिखाऊं कैसे बनती है और उनसे ये रेसिपी शेयर करूं। तो पहले बीट रूट को काट लिया बड़े बड़े टुकड़ों में और अच्छे से धो के बीट रूट के स्लाइसेस काट लिए। उसके बाद किसी भी ब्लेंडर में या मिक्सी में उसको अच्छे से इन पीसेस को डाल के और हल्का सा पानी ऐड करके पीस लेंगे, मतलब उसका पेस्ट बना लेंगे। बहुत एकदम महीन चटनी टाइप का पीस नहीं, मतलब दरदरा सा। उसके बाद ये ब्लेंड कर लिया अच्छे से। फिर जो आप आटा गूंथते हो उस आटे में पानी ना डाल के ये बीट रूट और उसका जो पानी है उसको डाल लीजिए और उसी से आटा गूंदना है। थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब पेशेंस भी चाहिए होगी। ये मेरा बीट रूट का जैसे सॉल्यूशन है पूरा, उसका जूस प्लस उसका पल्प, उसी से मैंने आटा गूंद दिया है। फिर उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है। ठीक है, ये देखिए आप, अच्छे से गूंद जाएगा क्योंकि बहुत पानी निकलता है उसका, बहुत मॉइस्चर होता है बीट रूट में, तो आपको एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही सुंदर सा पिंक कलर का एकदम आटा बनता है और बहुत ही सुंदर सुंदर सी गुलाबी रंग की रोटियां बनेंगी। सो आप बनाइए और एंजॉय कीजिए।